अस्सलाम वालेकुम। इवेपोरेशन, आज इस टॉपिक को हमने डिस्कस करना है। अगर इस टॉपिक को बेसिकली देखा जाए ना, तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें से टॉपिक में से अमूमन शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। पास्ट पेपर निकाल के देख लीजिएगा, आप शॉर्ट क्वेश्चन पूछा किस तरह जाता है। कुछ शॉर्ट क्वेश्चन आपने 9th क्लास में पढ़े हुए हैं, यानी बेसिक से जिस तरह के आपने पढ़ा हुआ है, क्या हाउ एवेपोरेशन काज कूलिंग, एवेपोरेशन किस तरह ठंडक का बास बनती है। सही है, पास्ट पेपर में काफ़ी दफ़ा शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आ चुका है। तो इसके अलावा और भी कहता है जी, आप नहाते हो, नहाने के बाद आपको ठंडक का एहसास क्यों होता है, इस क्वेश्चन का आंसर लेना है। से इसके बाद कहते हैं जो आपके मट्टी के बर्तन होते हैं, मट्टी के बर्तन के अंदर आप पानी डालते हो, पानी डालने के बाद उसके अंदर पानी ठंडा रहता है। अब वो पानी ठंडा क्यों रहता है? सही है, सारी की सारी चीज़ें आज हमने डिस्कस करनी है। सबसे पहली बात, इवेपोरेशन है क्या? इवेपोरेशन को अगर मैं उर्दू में कहूँ तो इसको कहते हैं बुखारात बनने का अमल। क्या? बुखारात बनने का अमल, बनने का अमल इवेपोरेशन कहला रहे होते हैं इसको, या कह रहे होते हैं। द प्रोसेस ऑफ डेफिनेशन इसकी लिख लो, द प्रोसेस, ये वो तरीकाकार है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन, कन्वर्जन कहते हैं तब्दीली को, कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैस। आप लिक्विड लो, लिक्विड को कन्वर्ट कर दो, लिक्विड इनटू गैस। अच्छा, गैस की जगह पे एक और वर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वेपर। इस प्रोसेस को हम नाम दे रहे होते हैं इवेपोरेशन। क्या नाम दे रहे होते हैं? इवेपोरेशन। अगर आप इवेपोरेशन को देखना चाहते हैं ना, आपको एक सिंपल सी एग्जांपल बताता हूँ, आप घर में भी इसको कर सकते हैं एक्सपेरिमेंट को। आपने एक ग्लास लो, शीशे का ग्लास लेके आपने इसके अंदर तकरीबन पेट्रोल डाल लेना है। जहाँ तक आपने पेट्रोल डालना है ना, वहाँ तक आपने निशान लगा लेना है। सही, किसी भी चीज़ के साथ निशान लगा लीजिएगा, यहाँ तक हमने पेट्रोल डाला है। उसको पूरी रात पड़े रहने दो ग्लास को। अब जब आप सुबह को देखोगे, वो जो पेट्रोल होगा उसमें से काफ़ी नीचे तक गया होगा, शायद गायब भी हो जाए। अगर होगा तो बहुत कम होगा, यानी कि यहाँ से इतना पेट्रोल गायब हो जाएगा। अब ये पेट्रोल गायब किस तरह हुआ है? असल में हुआ ये है कि आपका पेट्रोल ऐसा ऐसा वेपर बन के यहाँ से उड़ता गया है। क्या होता गया है? उड़ रहा है। अब ये जो कोई भी लिक्विड, देखो पेट्रोल क्या है हमारे पास, लिक्विड है। अब कोई भी लिक्विड वेपर में तब्दील होगा, अगर कोई भी लिक्विड वेपर में तब्दील होगा, तो इस प्रोसेस को नाम दे रहे होते हैं इवेपोरेशन का। क्या नाम दे रहे होते हैं? इवेपोरेशन का नाम दे रहे होते हैं। और यही बात हमने यहाँ लिखी है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन, यह तब्दीली का तरीकाकार है, किसका? लिक्विड का इंटू गैस, गैस में या फिर वेपर में। अच्छा, इसके अब एक्सप्लेनेशन करेंगे। अपने थोड़ी सी बातें इसमें समझ लीजिएगा, इवेपोरेशन में हो क्या रहा होता है। नेक्स्ट बात हमारे पास हेडिंग आएगी एक्सप्लेनेशन की। अगर एग्जाम में ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है ना, तो कुछ इस तरीके से कर लेंगे कि आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी मुकम्मल हो जाएगा। अब देखो, मैं आपको सिंपल सी एग्जाम्पल देता हूँ। मैं कहता हूँ यहाँ पर मैंने पानी ले लिया इस बीकर के अंदर। अब पानी के मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर चेक कीजिएगा, किस तरह का पानी के मॉलिक्यूल पानी के अंदर मौजूद होते हैं। आपने पढ़ा हो जाए हमारे पास वाटर के मॉलिक्यूल कुछ इस तरह के होंगे। बड़े वाला यहाँ पे मैं जो सर्कल बनाऊंगा, ये ऑक्सीजन एटम को रिप्रेजेंट करता है, जबकि छोटे वाले किसको रिप्रेजेंट करेंगे? हाइड्रोजन एटम को। किसको रिप्रेजेंट करेंगे? हाइड्रोजन एटम्स को। सही है, तो ये हमारे पास है जी वाटर के मॉलिक्यूल्स की स्ट्रक्चर। और आपने इससे पीछे एक टॉपिक पढ़ चुका है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस में पाई जाती है? वाटर के मॉलिक्यूल्स में। कहाँ पे पाई जाती है? वाटर के मॉलिक्यूल्स में। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाई जाती है, जिसको हम नाम दे रहे होते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। अब होता यह है कि वाटर के मॉलिक्यूल एक दूसरे को खींच रहे होते हैं, और जो खींचने की फोर्स है ना, इस फोर्स को नाम दे रहे होते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। क्या नाम दे रहे होते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। ये सारे के सारे मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। अब ना एक बात याद रखिएगा, जो हमारे पास लिक्विड होता है ना, ये जो दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, इसको इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज कहते हैं, दो मॉलिक्यूल के दरमियान वाली फोर्स, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। ये क्या हमारे पास इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स है, दो मॉलिक्यूल के दरमियान में खींचने वाली फोर्स है, दो मॉलिक्यूल एक दूसरे को खींच रहे हैं। अब ये जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स है, ये आपने पढ़ी हुई है, ये है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये क्या हमारे पास है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब होता ये है, कहते हैं आपके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं लिक्विड के, वो लगातार मूव करते रहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह में जाते रहते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी। क्या होगा? इनकी कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी। अब देखा, मैं सपोज करता हूँ इसकी काइनेटिक एनर्जी 10 है, इसकी ना काइनेटिक एनर्जी भी 10 है, इसकी काइनेटिक एनर्जी 10, इसकी भी 10 है, इसकी भी 10 है, इसकी भी 10, इसकी भी 10 है, इसकी मैं कहता हूँ सपोज किया 12 है, इसकी 10 है, इसकी सपोज करते हैं काइनेटिक एनर्जी 35 है, इसकी 50 है।
सही। अब देखो मैक्सिमम मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी एवरेज है, एवरेज का मतलब क्या है 10 के करीब करीब है। सही, मैक्सिमम और हमारे पास जो वाटर के मॉलिक्यूल है उनकी काइनेटिक एनर्जी 10 10 10 10 यानी कि, लेकिन कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जिनकी काइनेटिक एनर्जी क्या है हाई है। वो मॉलिक्यूल मैं थोड़े से नॉमिनेट कर लेता हूँ। ये दो मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जिसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है हाई होती है। कुछ मॉलिक्यूल्स की होगी, जब भी आप वाटर की या किसी भी लिक्विड की बात करोगे ना तो वहाँ पे मैक्सिमम जो ज़्यादातर मॉलिक्यूल्स होंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी एवरेज होगी। एवरेज का मतलब याद रखिएगा यानी जो दरमियानी होती है, और कुछ मॉलिक्यूल की एनर्जी उस एवरेज से ज़्यादा होती है। और काइनेटिक एनर्जी याद रखिएगा, काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू मूवमेंट होती है। काइनेटिक एनर्जी किस वजह से होती है, मूवमेंट की वजह से होती है। मतलब जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी उन मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट भी ज़्यादा होगी, उन मॉलिक्यूल की मूवमेंट भी ज़्यादा होगी। जब वो तेज़ी से मूव करेंगे एक वक्त आएगा वो इन इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज को तोड़ेंगे, तोड़ने के बाद यहाँ से बाहर की तरफ निकल जाएंगे। सही है, क्या हो जाएंगे, यहाँ से बाहर की तरफ निकल जाएंगे, ये भी इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स को तोड़ेगा, ये भी बाहर की तरफ निकल जाएगा। अब वो तरीकाकार जिसमें जिसकी काइनेटिक एनर्जी, जिन मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है वो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज को तोड़ के बाहर की तरफ जा रहे हैं और गैस में तब्दील हो रहे हैं, इस प्रोसेस को नाम दे रहे होते हैं इवेपोरेशन का। ये सारी की सारी चीज़ें अभी हमने लिखनी है, मैं दोबारा एक दफ़ा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर हम कोई भी लिक्विड लेते हैं, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स मोशनलेस नहीं होते, याद रखिएगा, थोड़ा थोड़ा मूव करते रहते हैं। थोड़ा थोड़ा मूव करने का मतलब क्या है, उनकी कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी है। मैक्सिमम मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी एवरेज होती है, जबकि कुछ मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी एवरेज से ज़्यादा होती है। जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी वो ऐसे से सरफेस के ऊपर आते हैं, सरफेस के ऊपर आके वहाँ से बाहर की तरफ एवेपोरेट कर जाते हैं, यानी बुखारात बन के उड़ जाते हैं। अब देखो ज़्यादा एनर्जी वाले मॉलिक्यूल बाहर निकल गए, बाकी कौन से बचे हैं, बाकी जो मॉलिक्यूल बचे हैं वो कौन से हैं, कम एनर्जी वाले, लेस एनर्जी वाले। और लेस एनर्जी का मतलब क्या है, यानी कि लेस एनर्जी कौन सी है, लेस काइनेटिक एनर्जी। और आपने एक चीज़ पढ़ी हुई है, एक चीज़ कौन सी, काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। मतलब अगर काइनेटिक एनर्जी कम हुई है तो टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा, कम। मतलब अगर कुछ जगह यानी किसी भी जगह पे मॉलिक्यूल्स एवेपोरेट कर जाते हैं, जो बाकी मॉलिक्यूल्स होंगे उनका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जब टेम्परेचर कम होता है तो वहाँ पे क्या हो जाती है, ठंडक हो जाती है, कूलिंग आ जाती है। और इस तरह की मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, ये कब होता है, आप ना एक दुपट्टा जब गर्मियाँ होती हैं वो दुपट्टा गीला करके जिस्म के ऊपर लिया जाए ना, क्या होता है, ठंडक होती है। अब वो ठंडक क्यों हो रही थी, क्योंकि दुपट्टे जो दुपट्टा वगैरह है, कोई कपड़ा वगैरह, अब उसकी सतह के ऊपर जो वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं वो ऐसा ऐसा वेपोरेट करते हैं, हाई एनर्जी वाले वेपोरेट कर जाते हैं, जबकि लो एनर्जी वाले पीछे रह जाते हैं, जिसकी वजह से वो दुपट्टा ठंडा ठंडा महसूस होता है, जिसकी वजह से दुपट्टा क्या होता है, हमें ठंडा ठंडा महसूस होता है। अब इसके बाद आप जब नहाते हो, नहाने के बाद आपके जिस्म के ऊपर एक पतली सी तह चढ़ जाती है पानी की, पंखे के नीचे आते हो, जिनकी काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल की ज़्यादा होगी वो वहाँ से उड़ जाएंगे, बाकी लो काइनेटिक एनर्जी वाले पीछे रह जाएंगे, और इसी वजह से हमें ठंडक का एहसास हो रहा होता है, इसी वजह से हमें क्या हो रहा है, ठंडक का एहसास हो रहा था। तो एक्सप्लेनेशन में सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन यही बनाऊंगा, हाउ एवेपोरेशन काज कूलिंग, हाउ इवेपोरेशन काज कूलिंग, काज कूलिंग। ये बच्चे पहला शॉर्ट क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, पास पेपर निकाल के चेक कीजिएगा, आपको ये क्वेश्चन लाजमन मिल रहा होता है। और मैंने पहले बता दिया कि इवेपोरेशन जो टॉपिक है ये हमारे पास अमूमन शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब इवेपोरेशन किस तरह ठंडा का वाष्प बनता है, अब इसी चीज़ को एक्सप्लेन करना है। द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड्स, लिक्विड के जो मॉलिक्यूल होते हैं, लिक्विड्स आर नॉट मोशनलेस, ये मोशनलेस नहीं होते, मतलब ये मूव करते रहते हैं। द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड हैव सम एनर्जी। जो मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड होते हैं उनकी कुछ ना कुछ एनर्जी होगी, और जो एनर्जी होती है वो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी होती है।
लेकिन जो एनर्जी होती है मैक्सिमम मॉलिक्यूल की एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है, जबकि कुछ मॉलिक्यूल की एवरेज काइनेटिक एनर्जी से ज्यादा होती है। मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड, मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड, मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड, जो ज्यादातर लिक्विड के मॉलिक्यूल होते हैं, पोजेस, पोजेस का मतलब होता है रखते हैं, पोजेस एवरेज काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी, ज्यादातर मॉलिक्यूल की एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है, जबकि कुछ मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी एवरेज से ज्यादा होती है। व्हाइल जबकि सम मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड, सम मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड, लिक्विड के कुछ मॉलिक्यूल्स लिक्विड हैव, ये रखते हैं हाई काइनेटिक एनर्जी, हाई काइनेटिक एनर्जी देन एवरेज, देन एवरेज, एवरेज से थोड़ी सी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, ज्यादा होती है, एवरेज से काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, थोड़ी सी ज्यादा होती है, ये बात आपने याद रखनी है। अब दोबारा सुन लो क्या बातें कही हैं। मैंने कहा जी हमारे पास जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होंगे ये मोशनलेस नहीं होते, ये थोड़े थोड़े मूव करते रहते हैं। अब मैक्सिमम मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी एवरेज होती है, जबकि कुछ मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी एवरेज से ज़्यादा होती है। क्या होती है, कुछ मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी एवरेज से ज़्यादा होती है। जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी वो उड़ जाएंगे, एवेपोरेट हो जाएंगे। द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड, द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड, ऑफ लिक्विड, लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं हैविंग, जो रखे हैं हाई काइनेटिक एनर्जी, हाई काइनेटिक एनर्जी, लेफ्ट ये छोड़ जाएंगे, लेफ्ट द सरफेस ऑफ, लेफ्ट द सरफेस ऑफ लिक्विड, ये लिक्विड की सरफेस को छोड़ जाएंगे, यानी कि एवेपोरेट कर जाएंगे, जबकि जो बाकी मॉलिक्यूल बचेंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी। लेफ्ट द सरफेस ऑफ लिक्विड एंड लो एनर्जी, लो एनर्जी मॉलिक्यूल्स, एनर्जी मॉलिक्यूल्स लेफ्ट बिहाइंड, लेफ्ट बिहाइंड, जबकि ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनकी एनर्जी कम होती है वो पीछे बच जाए, लेफ्ट बिहाइंड। एंड अब देखो, अब इनकी एनर्जी कम है, एनर्जी कम होने का मतलब क्या, काइनेटिक एनर्जी कम है, जिसकी वजह से इनका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इन मॉलिक्यूल्स का कम हो जाएगा। और नेचर का ना एक असूल है, हमेशा ना एनर्जी हॉट बॉडी से कूल बॉडी की तरफ मूव करती है, कहाँ से, हॉट बॉडी से कूल बॉडी की तरफ मूव करती है। वैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आप एक ठंडा ग्लास का पानी रख दो हवा के अंदर, वो क्या करेगा, बाहर से एनर्जी को जज़ब करेगा, और ऐसा ऐसा क्या होना शुरू हो जाएगा, ठंडा जो ग्लास का पानी होगा वो ऐसा ऐसा गर्म होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर आप चाय रखते हो, चाय बाहर एटमॉस्फेयर में रख दो, तो क्या होती है, चाय शुरू में गर्म होती है, लेकिन ऐसा ऐसा इसकी एनर्जी बाहर की तरफ निकल जाती है, और ऐसा ऐसा क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। अब एक बात याद रखिएगा, अगर आप एटमॉस्फेयर के अंदर कोई भी चीज़ रखते हो ना, वो अपना टेम्परेचर एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर के बराबर करना चाहता है। तो आपने चाय रखी, वो एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर के हवाले से वो थोड़ी सी ज़्यादा गर्म थी, उसने क्या किया, अपने अंदर से हीट को निकाला, निकालने के बाद अपने आप को एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर पर ला के बिल्कुल बराबर कर देगा, उसके बाद ज़्यादा ठंडी नहीं होगी, जब एक लिमिट आ जाएगी। सेम इस तरह आपने पानी एटमॉस्फेयर की निस्बत ज़्यादा ठंडा लिया था, जिसकी वजह से उसने एनर्जी को जज़ब किया, जज़ब करने की वजह से हमारे पास क्या हुआ, वो ऐसा ऐसा गर्म हो गया। अब देखो, अब लिक्विड के मॉलिक्यूल्स की एनर्जी क्या है, यहाँ पर हो गई है कम, कम होने का मतलब क्या, ये ठंडे हो गए, ये बाहर से एनर्जी को जज़ब करते हैं, जब बाहर से एनर्जी को जज़ब करेंगे तो बाहर वाली जो भी चीज़ होगी उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा, वो ठंडी हो जाएगी, और यही वजह है हमारे पास एवेपोरेशन कूलिंग का बास बनती है। लेफ्ट बिहाइंड, अब ऐसे मॉलिक्यूल जिनकी एनर्जी कम होती है वो पीछे बच जाते हैं, एंड हीट मूव फ्रॉम सराउंडिंग, फ्रॉम सराउंडिंग टू लिक्विड, अब आपकी हीट मूव करेगी सराउंडिंग से लिक्विड में, कहाँ से, सराउंडिंग से लिक्विड में, इसलिए हमारे पास सराउंडिंग में ठंडक हो जाती है, सराउंडिंग टू लिक्विड एंड काज कूलिंग, एंड काज कूलिंग, और ये कूलिंग यानी ठंडक का बास बनती है। तो ये बच्चे हमारे पास रीज़न है,
आप इसके बहुत सारे एग्जांपल दे सकते हो कि वेपोरेशन किस तरह ठंडा का बास बनती है। पहली एग्जांपल, जब आप नहा के पंखे के नीचे आते हो उस वक्त जो ठंडा का एहसास होता है वो वेपोरेशन की वजह से होता है। सही, सेंस ऑफ कूलिंग आफ्टर बाथिंग, ये हमारे पास पहली एग्जांपल। सेंस ऑफ कूलिंग आफ्टर बाथिंग नहाने के बाद जो आपको ठंडक का एहसास आता है वो किस वजह से होता है? इवेपोरेशन की वजह से। अब ना नेक्स्ट जो शॉर्ट क्वेश्चन आता है वो यही है, पास्ट पेपर में ये भी शॉर्ट क्वेश्चन, और याद रखिएगा ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन भी आपके एक्सरसाइज के अंदर मौजूद है और ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन भी आपके एक्सरसाइज के अंदर मौजूद है और ये पास्ट पेपर में आए भी बड़ी दफा हुए। अब शॉर्ट क्वेश्चन आता किस तरह है, वो शॉर्ट क्वेश्चन सेम इस तरह पूछेगा जिस तरह मैंने यहां पर लिखा है, क्यों हमें एहसास होता है वी फील सेंस ऑफ कूलिंग आफ्टर बाथिंग नहाने के बाद हमें ठंडक का एहसास क्यों होता है, रीजन बतानी है आपने। सही है, तो देखो नहाने के बाद होता क्या है कि आपके जिस्म के ऊपर पतली सी तह पानी की चढ़ जाती है। अब वो पतली सी तह पानी की चढ़ने के बाद क्या होता है कि वो जो हाई एनर्जी काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल होंगे वो वेपोरेट होंगे, लो एनर्जी वाले पीछे रह जाएंगे, जिसकी वजह से हमें ठंडक का एहसास हो रहा होता है। और यही बात हमने यहाँ पर लिखनी है, आफ्टर बाथिंग नहाने के बाद अ थिन लेयर ऑफ वाटर पानी की बिल्कुल बारीक सी तह, पतली सी तह, अ थिन लेयर ऑफ वाटर इज formed on the surface of body, आपके जिस्म की सतह के ऊपर पानी की एक पतली सी तह चढ़ जाएगी, सरफेस ऑफ बॉडी। अब होता यह है कि आपके सरफेस के ऊपर जो ऐसे मॉलिक्यूल जिनकी काइनेटिक एनर्जी हाई होगी वो उड़ जाएंगे, लो काइनेटिक एनर्जी वाले पीछे रह जाएंगे, जिसकी वजह ठंडक होती है, हमें ठंडक का एहसास हो रहा था। द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर हैविंग, पानी के ऐसे मॉलिक्यूल जो रखते हैं कौन सी काइनेटिक एनर्जी हाई एनर्जी लेफ्ट द सरफेस ऑफ लिक्विड लिक्विड की सरफेस को छोड़ जाएंगे एंड मॉलिक्यूल्स, और पीछे जो बचने वाले होंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी या एनर्जी, सिंपल बात कह दो एनर्जी कम होगी, एंड द मॉलिक्यूल्स, और ऐसे मॉलिक्यूल्स हैविंग जो रखेंगे लो एनर्जी लेफ्ट बिहाइंड, ये पीछे रह जाएंगे। लेफ्ट बिहाइंड का मतलब होता है जो चीज पीछे रह जाए, लेफ्ट बिहाइंड ये क्या होंगे हमारे पास, पीछे रह जाएंगे। अब यही मॉलिक्यूल आपके जिस्म में से हीट को जज़ब करते हैं, क्योंकि हमेशा मैंने यहाँ पे बात की थी जो पीछे रह जाएंगे मॉलिक्यूल जिसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी वो अपनी एनर्जी को बराबर करने के लिए हमारे जिस्म से हीट को खींचते हैं, जिसकी वजह से हमें ठंडक का एहसास हो रहा होता है। लेफ्ट बिहाइंड, सो द वाटर एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम द बॉडी एंड वी फील सेंस ऑफ कूलिंग और हमें एहसास हो रहा होता है फील सेंस ऑफ कूलिंग और इसी वजह से हमें ठंडक का एहसास हो रहा होता है। ये वजह शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर है कि हमारे पास जिस्म के ऊपर पहले पतली सी तह चढ़ती है, हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स उड़ जाते हैं, लो एनर्जी मॉलिक्यूल पीछे रह जाते हैं, और जब ये लो एनर्जी मॉलिक्यूल पीछे रह जाते हैं तो ये आपके जिस्म में से हीट को जज़ब करते हैं, जिसकी वजह से हमें ठंडक होती है। अच्छा, ये बात होगी। अब इसके बाद एक और भी क्वेश्चन आता है, ये मैंने पहले बता रखा है कि ये टॉपिक आपका शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट है। सही है, तो शॉर्ट क्वेश्चन जिस तरह से आता है मैंने बनवा के लिखवाता जा रहा हूँ और सारे के सारे शॉर्ट क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज के अंदर मौजूद है। सही है, हाउ किस तरह अर्थनवेयर keep the water cool in
समर, समर कहते हैं गर्मियों को, समर। अच्छा याद रखिए, अर्थनवेयर कहता है मट्टी के बने हुए बर्तन को। अर्थनवेयर किसको कहते हैं? मट्टी के बने हुए बर्तन, इसको हम नाम दे रहे होते हैं अर्थनवेयर का। क्या नाम दे रहे होते हैं? अर्थनवेयर का नाम दे रहे होते हैं। आप कहते हैं जो मट्टी के बने हुए बर्तन है वो पानी को किस तरह ठंडा रखते हैं? देखो आप ना गर्मियों में एक घड़ा लेके घड़े के अंदर पानी डाल के रख दोगे ना, तो घड़े के अंदर पानी ठंडा ही रहता है। अब वो यही पूछ रहे हैं कि इसमें ठंडा क्यों रहता है, रीज़न बताओ। अगर आप इसको किसी जग वगैरह में डाल के रख दो तो ये गर्म हो जाता है, जबकि घड़े में डाला हो तो ये ठंडा रहता है। अब इसकी रीज़न क्या है? अब इसकी रीज़न हमने बतानी है। देखो आपने कभी देखा है घड़ा वगैरह? वो घड़ा वगैरह देखोगे ना, जब इसके अंदर पानी डाला होता है तो ये बाहर से गीला गीला सा होता है यहाँ से, सही है? थोड़ा थोड़ा क्या होता है यहाँ से गीला गीला, यानी कि इसके ऊपर पानी थोड़ा थोड़ा होता है, यानी कि इसके ऊपर इसके सिर्फ बाउंड्री, ऐसा नहीं है बीच से पानी निकल रहा होता, नहीं। आप एक बिल्कुल खुश्क घड़ा देख लो, एक वो घड़ा जिसके अंदर पानी डाला होता है वो देख लीजिएगा। जो घड़ा आप पानी डालोगे ना, वो बाहर से थोड़ा थोड़ा सा ना गीला होगा, थोड़ा थोड़ा सा। अब ये गीला क्यों हो जाता है? कहता है कि अगर आप इसको थोड़ा सा ओपन करके देखते हो ना, इसको थोड़ा सा ओपन करके देखोगे इसकी बाउंड्री को। अब ये बाउंड्री कुछ इस तरह की होती है, ये देखो मैं इतनी बड़ी करके दिखा रहा हूँ ये घड़े की बाउंड्री। अब इसमें ना बिल्कुल बारीक बारीक से सुराख होते हैं इस तरह के, इस तरह के, इस तरह के, यानी कि ये अंदर से बिल्कुल बारीक बारीक से सुराख होते हैं, पोर्स जिसको कह सकते हैं। अब होता यह है कि आपका पानी यहाँ से ऐसा ऐसा रस के ऐसा 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 यहाँ पर आके यहाँ पर आ जाता है, सेम काम यहाँ से यहाँ पर आ गया, इन सुराखों से गुजरता 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 यहाँ पे आ गया। क्योंकि याद रखिएगा जो घड़ा ये मट्टी का बना हुआ है, किसका बना हुआ है? मट्टी का। मट्टी के ज़रात को आपस में जोड़ के ये पूरे की पूरी शेप बनाई हुई है, और मट्टी जब आपस में जोड़ती है उसमें बारीक बारीक से सुराख रह जाते हैं जो हमें आम आँख से नज़र नहीं आते, लेकिन अगर आप उसको किसी माइक्रोस्कोप के नीचे देखोगे तो आपको ये सुराख बिल्कुल बारीक बारीक नज़र आ रहे होते हैं। अब होता यह है कि आपका पानी ऐसा 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 रस के यहाँ पे इसकी बाउंड्री पे आता है, और यहाँ पे आने के बाद जिसके यानी कि वही काम ये वाला हाई काइनेटिक एनर्जी वाले मॉलिक्यूल यहाँ से उड़ जाएंगे, जबकि लो काइनेटिक एनर्जी वाले मॉलिक्यूल पीछे बच जाएंगे, जिसकी वजह से इसकी दीवार का टेम्परेचर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जब इसका टेम्परेचर कम हुआ तो ये दीवार आपकी ठंडी हो जाएगी, घड़े की दीवार, और जब ये घड़े की दीवार ठंडी हुई तो अंदर वाला पानी भी ठंडा रहेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि बर्फ बना देगा, ये बात याद रखिएगा, ठंडा रख रहा है। क्या कर रहा है? ठंडा रख रहा है, सही है। बाहर बेशक जितना मर्जी, अगर आप बेशक इसका एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिएगा, आप घड़े के अंदर पानी डाल दो, एक जग में पानी डाल के धूप में रख दो, घड़े वाला पानी ठंडा होगा जबकि जग वाला पानी गर्म हो जाएगा, क्योंकि जग जो है ना ये हीट का अच्छा कंडक्टर है, ऊपर डायरेक्ट हीट पड़ती है, एब्जॉर्ब करता है, पानी गर्म कर देता है, सही है। और यही बात हमने यहाँ पर थोड़ी थोड़ी लिखनी है, और ये पास्ट पेपर में ये भी क्वेश्चन आ चुका है, और इसलिए मैंने कहा कि ये टॉपिक शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बातें मेन चीज़ें समझ जाओ, सारी यही बातें हर एक क्वेश्चन के अंदर यही लिखना होता है। क्या बात है कि हमारे पास मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड हैं जिनकी काइनेटिक एनर्जी हाई होगी वो उड़ जाएंगे, लो काइनेटिक एनर्जी वाले पीछे रह जाएंगे, सही है। जब लो काइनेटिक एनर्जी वाले पीछे रहेंगे का टेम्परेचर कम हो जाएगा, ठंडा हो जाएंगे, बस यही बातें लिखनी है। चलो इन अर्थनवेयर, इन अर्थनवेयर, अर्थनवेयर कहते हैं मट्टी के बने हुए बर्तन, अर्थनवेयर Small pores are present. Small pores are present. बिल्कुल बारीक बारीक सुराख मौजूद होते हैं. The water molecules, जो पानी के molecules होते हैं come in the pores. कम आउटसाइड कर लो, कम आउटसाइड द पोर्स, ये सुराखों से बाहर की तरफ आ जाते हैं, सुराखों से बाहर की तरफ आ जाते हैं थ्रू कैपिलरी एक्शन, थ्रू कैपिलरी एक्शन, ये कैपिलरी एक्शन से बाहर की तरफ आ जाते हैं। अब कैपिलरी एक्शन क्या होता है? किसी भी चीज का बारीक सुराख में से हाई कंसंट्रेशन लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करने का अमल है, इस प्रोसेस को नाम दे रहे होते हैं कैपिलरी एक्शन। ये फिनोमेना आपके पौधों की जड़ों के अंदर भी हो रहा होता है,
सही है, हमारे पास क्या है, कैप्री एक्शन के थ्रू आपके मॉलिक्यूल्स घड़े के अंदर से बाहर की तरफ मूव कर जाते हैं। अब होता क्या है कि यहाँ पे हाई काइनेटिक एनर्जी वाले मॉलिक्यूल उड़ जाएंगे, लो काइनेटिक एनर्जी वाले पीछे बच जाएंगे, जिसकी वजह से इसकी सरफेस ठंडी हो जाएगी और ये ठंडे रहेंगे। सही है, तो यही बात लिखें, द पावर थ्रू द कैप्री एक्शन द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर हैविंग हाई काइनेटिक एनर्जी, हैविंग हाई काइनेटिक एनर्जी लेफ्ट द सरफेस, वो इसकी सतह को छोड़ जाएंगे, वाइल जबकि मॉलिक्यूल्स हैविंग लो काइनेटिक एनर्जी लेफ्ट बिहाइंड ये पीछे रह जाएंगे एंड कूल द लेफ्ट बिहाइंड विच कूल द वॉल ऑफ अर्थनवेयर, विच कूल द वॉल्स ऑफ अर्थनवेयर, वॉल्स ऑफ अर्थनवेयर जो आपके जो मिट्टी का बना हुआ बर्तन है उसके दीवारों को ठंडा कर देगी, अर्थन वेयर एंड काज एंड, और इसके बाद आगे यही लिख दीजिएगा हमारे पास, एंड अर्थन वेयर कीप द वाटर कूल इन समर, एंड अर्थन वेयर कीप द वाटर कूल इन समर। तो ये था जी बच्चे हमारे पास सारे का सारा लेक्चर एवेपोरेशन किस तरह ठंडा का बास बनती है, अब नहाने के बाद हमें ठंडा का एहसास क्यों होता है, और ये मिट्टी के बर्तन गर्मियों में पानी को किस तरह ठंडा रखते हैं, ये सारे के सारी चीज़ें आपने याद रखनी है। यही शॉर्ट क्वेश्चन पास्ट पेपर में काफ़ी दफ़ा आ चुके हैं और क्वेश्चन पूछेगा भी इसी तरह, थोड़े बहुत लफ्ज़ चेंज हो सकते हैं, पूछने का तरीकाकार यही है और आपने यही चीज़ें लिखनी होती हैं। तो यही बच्चे हमारे पास आज का लेक्चर, अल्लाह हाफिज़।